during this course. Today's my topic is depreciation, causes of depreciation, objective of depreciation, and auditor's duties regarding depreciation. सबसे पहले बात करते हैं depreciation होता है। Depreciation किसी भी commercial organization को चाहे वो business हो या फिर industry हो, उसके पास बहुत सारे fixed assets होते हैं। Fixed assets होते हैं जैसे building, plant, machinery, furniture। जब हम business में इन fixed assets को use करते हैं तो उन fixed assets की value धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, और जो ये decrease होता है ये permanent nature को होता है। So permanent decrease in the value of assets is known as depreciation. और जो depreciation होता है वो continuous होता है और धीरे धीरे होता है। सबसे इसकी characteristics की बात करें तो depreciation fixed assets पे लगता है। Depreciation हमेशा decrease होती है book value में। किसी भी asset की book value में decrease होना depreciation कहलाता है, किसी भी asset की। Depreciation permanent nature का होता है और depreciation बहुत सारे कारणों से होता है। अब हम बात करते हैं causes of depreciation की। सबसे पहले है continuous use। Depreciation continuous की वजह से use की वजह से होता है। जब हम अपने fixed assets को continuously use करते हैं तो wear and tear की वजह से हमारे जो assets की efficiency और value में decrease होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उस पर depreciation लगना शुरू हो जाता है। नंबर टू, passage of time। बहुत सारे ऐसे assets होते हैं जिनका limited time spend होता है, जैसे कि patents, leasehold assets। इन assets को जब permanently use करते हैं तो हमारे उन assets पर permanent decrease होना शुरू हो जाता है, यानी कि वे assets depreciate होने शुरू हो जाते हैं। Next is obsolescence। obsolescence क्या होता है? हमारा areas technology area है, अब बहुत सारे inventions होती हैं, नई इन्वेंशन से नई मशीनरी आती है जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रोडक्टिव होती है नई मशीनरी, और जो पुरानी मशीनरी होती है वो प्रोडक्टिव होती है, और जिसकी वजह से जो हमारी पुरानी मशीनरी होती है वो ऑब्सोलेट होनी शुरू हो जाती है, और उनको उनकी वैल्यू धीरे धीरे अपने आप में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टन। एग्जॉस्टन क्या होता है? बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका एक लिमिटेड यूज कर सकते हैं, उसके बाद उतना यूज करने के बाद उनकी वैल्यू अपने आप से ही कम होनी शुरू हो जाती है, वे एसेट्स यूजलेस हो जाते हैं। जैसे कि लाइफ स्टॉक, ये जो एसेट्स होते हैं वो कुछ पीरियड तक तो उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, फिर इनकी वैल्यू धीरे धीरे अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है? ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम लिमिटेड बाउंड्री तक ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोयल माइंस, ऑयल वेल्स। नेक्स्ट हमारा आता है फॉल इन द मार्केट प्राइस। जब हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो हम उन्हें रीसेल नहीं करते। जब बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में जो डिक्रीज आती है, जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जितना भी डिफरेंस आता है उसे हम डेप्रिसिएशन के रूप में ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है अदर कॉजेज सच एज एक्सीडेंट्स। जब किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है। ये सब कुछ कारण डेप्रिशिएशन के। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के फुल फॉर्म में क्या उद्देश्य है डेप्रिशिएशन लगाने? सबसे फर्स्ट है करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी एसेट की करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए हम डेप्रिशिएशन लगाते हैं। डेप्रिशिएशन किसी भी बिजनेस फॉर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, इसीलिए अगर हम कोई भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब हम उसके कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड करते हैं एज एन एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारा था प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूरेट प्रॉफिट। ये क्या बोलता है? जैसे डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है वेजेस और सैलरी की तरह, ऐसे ही अगर हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को शो नहीं करेंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट्स कम रह जाएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें दिखाएगा, और इससे हमारे ट्रू प्रॉफिट हमें पता नहीं चल पाएंगे बिजनेस के। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसके अंदर क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक डिक्रीज हो जाती है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में। अगर हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स को डिक्रीज वैल्यू पर शो नहीं करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ट्रू नहीं दिखा पाएगी किसी भी फर्म की। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स से वो होता है कि
जब हम डेप्रिशिएशन लगाते हैं तो डेप्रिशिएशन लगाते हैं तो जितना एक प्रोविजन बनाया जाता है डेप्रिशिएशन का, और जब हमारा ऐसे पूरी तरह से ऑब्सोल्यूट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, तो हमें एक नए एसेट की जरूरत पड़ती है। उस एसेट को खरीदने के लिए हम जो हमने डेप्रिशिएशन का प्रोविजन बनाया है उससे हम उस प्रोविजन के अमाउंट से हम एक नया एसेट खरीद पाते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल इरोजन। अगर हम डेप्रिशिएशन शो नहीं करेंगे तो हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो वो हमें डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कैपिटल धीरे धीरे रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजन। कंपनी का प्रोविजन होता है कि हमें कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कि नेसेसरी है कि आपको डेप्रिशिएशन एसेट्स को लगाना ही लगाना है। अब हम बात करते हैं ऑडिटर्स की ड्यूटी डेप्रिशिएशन को लेकर। क्या ड्यूटी होती है ऑडिटर की? सबसे पहले वेरीफाई डेप्रिशिएशन रेट। सबसे पहले जो ऑडिटर है देखता है किस रेट पर किसी भी कंपनी ने डेप्रिशिएशन लगाया है। नेक्स्ट चेक मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन। इसके अंदर ऑडिटर देखता है कि कंपनी ने कौन सा मेथड यूज किया है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यूज किया या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया। नेक्स्ट वेरीफाई यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इसके अंदर ऑडिटर ये भी चेक करते हैं कि उस एसेट की कितनी यूजफुल लाइफ है और कंपनी ने कितनी दिखाई है, वो करेक्ट दिखाई है क्या या नहीं दिखाई है। नेक्स्ट चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट ड्यूटी होती है अगर कोई भी कंपनी अपना डेप्रिशिएशन के मेथड को चेंज करती है तो वो भी उसे ऑडिटर चेक करता है कि उसने प्रॉपर तरीके से चेंजेस किए हैं या फिर नहीं किए हैं। नेक्स्ट है एग्जामिन वेरियस फैक्टर्स। अगले जो ड्यूटी होती है ऑडिटर की वो ये होती है कि वो डेप्रिशिएशन के साथ साथ और दूसरे फैक्टर्स को भी एग्जामिन करें और चेक करें वो सभी करेक्टली लगाए गए हैं या फिर नहीं लगाए गए। नेक्स्ट है एग्जामिन प्लांट रजिस्टर। अगर किसी भी कंपनी ने अपना प्लांट रजिस्टर बनाया है तो उसे वो चेक करना होता है कि अगर किसी भी कंपनी ने प्लांट रजिस्टर बनाया है तो उसे वो भी चेक करना होता है कि वो उसमें कितने उन्होंने डेप्रिशिएशन शो किया है। नेक्स्ट है एडिक्वेंसी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। जब हम किसी भी एसेट्स को खरीदते हैं अगर उसमें कोई भी कैपिटल एक्सपेंसेस होता है तो ऑडिटर उसे चेक करता है कि वो उन्होंने पूरे अच्छे करेक्टली शो किया है या फिर नहीं किया है। चेक प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर किसी भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी प्रोविजन है तो वो ऑडिटर की ड्यूटी होती है वो देखे कि वो उन्होंने प्रोविजन कंप्लीट किया है, फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। एंड लास्ट इज डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर लास्ट में ऑडिटर की ड्यूटी होती है उसे वो देखना होता है कि बैलेंस शीट में जो डेप्रिशिएशन लगाया गया है वो उसने रिड्यूस्ड वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की रिड्यूस्ड वैल्यू शो की है या फिर नहीं की। थैंक यू।